बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद बिन इकबाल ऑफिशियल चैनल की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। क्लास नाइन्थ की फिज़िक्स जो है हमने स्टार्ट की है, फर्स्ट चैप्टर की हमने दो पार्ट कंप्लीट किए हैं और फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। आज हम सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के कम्प्लीट ही फर्स्ट पार्ट है। चलिए आइए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड चैप्टर का ये तमाम के तमाम जो MCQs हैं वो फिज़िक्स के सिंटेक्स बुक से लिए गए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कि वो ब्रांच फिजिक्स की जो रिलेट करे मोशन के ऊपर उस ब्रांच को क्या कहा जाता है फिजिक्स की। ऑप्शन ए डायनेमिक, ऑप्शन बी फिजिक्स, ऑप्शन सी मैकेनिक या ऑप्शन डी काइनेमेटिक। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, मैकेनिक जो है कहा जाता है फिजिक्स की ब्रांच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन द रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर वी कैन से दैट द बॉडी इज डैश, के कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए एट्रेस्ड, ऑप्शन बी एक्सेलरेटेड, ऑप्शन सी डिस्प्लेस्ड या ऑप्शन डी एट मोशन। तो इस बॉडी को जो है जो अपनी पोजीशन चेंज ना करे उसको हम रेस्ट कहेंगे। ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू सम रेफरेंसेस इज नोन एज, ऑप्शन ए पोजीशन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी वेलोसिटी या ऑप्शन डी स्पीड। इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज इज डैश, ऑप्शन ए रोटेटरी मोशन, ऑप्शन बी ट्रांसलेटरी मोशन, ऑप्शन सी रैंडम मोशन या ऑप्शन डी वाइब्रेटरी मोशन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, ट्रांसलेटरी मोशन को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट वेलोसिटी एंड फोर्स आर द डैश क्वांटिटी, कि वेट फोर्स या वेलोसिटी जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है वेलोसिटी है या दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, वेक्टर क्वांटिटी है वेट वेलोसिटी और फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टोटल डैश स्पीड मास एक्सेलरेशन या टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, टाइम को जो है कहा जाता है एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय अ टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, के इनमें से जो है कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, टेम्परेचर मास वेलोसिटी या डिस्टेंस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, वेलोसिटी को जो है वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, कि वो मोशन बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में हो उसको जो है क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रैंडम मोशन, ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी लीनियर मोशन या ऑप्शन डी ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है लीनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में काम करे उसको उस मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ इन बॉडी इन सर्कुलर पाथ, कि वो मोशन जो सर्कुलर पाथ में जो है हो उसको क्या कहा जाता है, रैंडम मोशन सर्कुलर मोशन लीनियर मोशन या ट्रांसलेटिंग मोशन। तो इस मोशन को जो है हम सर्कुलर मोशन ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली अलोंग विद द सेम स्ट्रेट लाइन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, वो तमाम पॉइंट्स मूव हों एक ही उससे सेम जो है स्ट्रेट लाइन में तो उस मोशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रैंडम मोशन, ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी ट्रांसलेटरी मोशन या ऑप्शन डी नॉन ऑप्टी। तो उस ऑप्शन उस जो है उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है जो स्ट्रेट लाइन में हो। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कि रेगुलर मोशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रैंडम मोशन, ऑप्शन बी लीनियर मोशन, ऑप्शन सी ट्रांसलेटरी मोशन या ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, रैंडम मोशन को जो है कहा जाता है।
वो मोशन जो इरेगुलर मोशन हो उसको रैंडम मोशन कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड द फिक्स एक्सिस विच पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ. इसका ऑप्शन ए रैंडम मोशन, ऑप्शन बी लीनियर मोशन, ऑप्शन सी स्पिन और रोटरी मोशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, स्पिन और रोटरी मोशन को जो है कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट मेन पोजिशन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए वाइब्रेटरी मोशन, ऑप्शन ए वाइब्रेटरी एस्कुलेटरी मोशन, ऑप्शन बी लीनियर मोशन, ऑप्शन सी स्पिन और रोटेटरी मोशन, या ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज. तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, वाइब्रेटरी एस्कुलेटरी मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड. ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी लीनियर मोशन, ऑप्शन सी स्पीड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. के चेंज जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी स्पिन और रोटेटरी मोशन, या ऑप्शन डी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, एक्सेलरेशन को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ द मोशन. टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शंस ऑफ मोशन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी स्पिन और रोटरी मोशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, डिस्टेंस. हम आगे चल के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कुछ तफसील से पढ़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड है द डिस्टेंस मेयर बाय मेयर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी स्पिन और रोटेटरी, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज. तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, डिस्प्लेसमेंट को जो है कहा जाता है. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है? डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जैसे मिसाल के तौर ए और बी में जो है 6 किलोमीटर आपको नजर आ रहे होंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको जो है हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. जबकि डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है? डिस्टेंस इज अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स. के ए और बी में जो डिस्टेंस है यानी 16 किलोमीटर या 24 किलोमीटर, ये आपको रेड लाइन और दूसरी लाइन ये नज़र आ रही होगी, इसको हम जो है डिस्टेंस कहते हैं. जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जो है हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. मजीद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ते हैं द टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन. कि डिस्टेंस में जो है कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन होती है. इट इज एन स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस को जो है स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और दोनों के एसआई यूनिट मीटर है. नेक्स्ट स्लाइड है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कि बेस क्वांटिटी हमारी 7 हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और हमारी ड्राइव क्वांटिटी कौन सी हैं? एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एनर्जी एंड डेंसिटी. जबकि इस चैप्टर में हमने जो पढ़े स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वॉल्यूम आते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें डायरेक्शंस होती हैं उसको जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वर्क और फोर्स आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है, ये इनके एसआई यूनिट है, लेंथ के मीटर, मास के किलोग्राम, टाइम के सेकंड, वॉल्यूम का लीटर. वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.